इस वीडियो में डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट की बात करेंगे। काफ़ी बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं कंक्रीट को, बजाय ऑन द बेसिस ऑफ वाइंडिंग मटेरियल। तो वाइंडिंग मटेरियल के बेसिस पे तीन टाइप का है, सीमेंट कंक्रीट, लाइम कंक्रीट, जिप्सम कंक्रीट। सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट वेट कंक्रीट, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, लाइट वेट कंक्रीट, डेंस वेट कंक्रीट और हैवी वेट कंक्रीट। लाइट वेट कंक्रीट के लिए हमारा यूनिट वेट जो है 1500 से 1800 केजी पर मीटर क्यूब होना चाहिए। डेंस वेट कंक्रीट के लिए 1800 से 2500 केजी पर मीटर क्यूब होना चाहिए और हैवी वेट कंक्रीट के लिए ग्रेटर देन 2500 केजी पर मीटर क्यूब होना चाहिए। इसके बाद हमारा है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेसिस पे जो हमारा है वो लो स्ट्रेंथ कंक्रीट, मीडियम स्ट्रेंथ कंक्रीट और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है। लो स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए हमारा जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो लेस देन 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होना चाहिए और मीडियम स्ट्रेंथ कंक्रीट 20 से 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ग्रेटर देन 40 न्यूटन एमएम स्क्वायर। इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, M20 से नीचे का जो कंक्रीट है वो हमारा लो स्ट्रेंथ कंक्रीट है, M20 से M40 तक का जो कंक्रीट है वो हमारा मीडियम स्ट्रेंथ कंक्रीट है और M40 से अबव हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसिंग मेथड क्लासिफिकेशन में कास्ट इन सीटू कंक्रीट, प्रीकास्ट कंक्रीट। प्रीकास्ट कंक्रीट कंक्रीटिंग जो है हम वो फैब्रिकेटिंग स्ट्रक्चर्स में यूज़ करते हैं और जहाँ पे हमारा कंक्रीटिंग करने के लिए प्लेस उतना नहीं होता है उसके लिए हम प्रीकास्ट कंक्रीट यूज़ करते हैं। अगला इन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ प्रस्पेक्टिव स्पेसिफिकेशन, इसमें हमारा है ग्रेड ऑफ कंक्रीट और पोर्शन। M20 में जो पोर्शन होता है सीमेंट, सैंड और ग्रेवल का होता है। M10 में जो होता है 1:36 होता है। M15 में 1:2, 2:4 होता है। M20 में 1:1.5, 3 होता है और M25 में 1:1, 2 होता है।